दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेनो ट्राइबर वाइट कलर में। अभी आप देख रहे हैं इसके लुक को, वाइट कलर में रेनो ट्राइबर काफ़ी बढ़िया लग रही है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि इसकी वाइट कलर की वीडियो शूट कीजिए, तो ये कुछ मैं इसकी पूरी आज डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। आपको कैसा इसमें कलर मिलता है, कैसा इसका ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, डुअल टोन आप इसे कह सकते हैं, प्रीमियम लुक देता है। और वाइट एक यूनिवर्सल कलर होता है। फ्रंट से अगर हम बात करते हैं तो इसकी फ्रंट की एसयूवी इंस्पायर्ड आप ग्रिल देख रहे हैं। ब्लैक के साथ वाइट का जो इसका कॉम्बिनेशन है, और भी ज़्यादा ये जो कॉम्बिनेशन है और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ आ रहा है, आप देख रहे हैं। साइड लुक से अगर हम देखें इसको तो ऐसा कुछ इसका पूरा साइड लुक दिख रहा है, वाइट कलर में बढ़िया लग रहा है। जो इसमें आपको रैपिंग मिल जा रही है ये भी एक कॉन्ट्रास्ट के साथ आ रही है। क्लैडिंग जो मिल रही है इसमें ये भी एक यूनिक लग रही है। और इसमें जो आपको स्टील रिम व्हील मिल रहा है ब्लैक कलर में, ये भी वाइट कलर के साथ काफ़ी सही लग रहा है। ब्लैकड आउट आपको इसमें स्पॉयलर मिलने वाले हैं, ये कुछ इसके स्पॉयलर है देखिए। और अभी जो इस वेरिएंट के सामने हमें, ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में कहूँगा, RXT वेरिएंट है। सही प्राइसिंग के साथ आता है, 6 लाख एक्स शोरूम इसकी प्राइस है। और सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे, डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, आपको मल्टीमीडिया का सिस्टम मिल जाएगा इसमें 8 इंच का, और फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो बेस मॉडल से ही मिल रहे हैं। बस टॉप के कंपैरिजन में आपको इसमें जो नीचे DRL होता है वो मिसिंग है, और रियर में वॉशर वाइपर वो मिसिंग है, और कैमरा मिसिंग है रियर कैमरा। बस 50,000 का डिफरेंस है और ये आपको मिलने वाला है। पूरा आप इसके लुक को देखिए। इस साइड से अगर हम देखते हैं तो इस साइड से भी आपको ब्लैकड आउट इसमें मिल जाएगा, B पिलर, C पिलर और D पिलर में आपको वाइट कलर मिल जाएगा। बॉडी कलर्ड आपको इसमें डोर हैंडल्स भी दिए गए, ORVM भी आपको इसमें वाइट में मिल रहा है। और ये कलर काफ़ी यूनिक लग रहा है और डिमांड इस कलर की काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अगर इसको रियर से देखते हैं, रियर का लुक इसका कुछ ऐसा मिल रहा है। रियर में काफ़ी बड़ी लग रही है गाड़ी, देखिए ये इसका हाई स्टॉप टेल माउंट, ये भी इसका यूनिक पोजिशनिंग मिल रही है। इसमें बीच में रेनो का लोगो और ट्राइबर की बैजिंग मिल रही है। ईगल बीक इंस्पायर्ड आपको इसमें टेल लैम्प्स मिल रहा है। देखिए इसमें आपको हेलोजन पूरा असेंबली मिलने वाली है हेडलैम्प्स की, ये टेल लैम्प्स दिए हैं, और एनर्जी की बैजिंग मिल जाएगी। 1000 CC का आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है, 72 BHP और 96 Nm का टॉर्क आउटपुट ये इंजन आपको देता है। 182 Mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल रहा है। पीछे देखिए आप, इसमें आपको स्केट प्लेट्स मिल रही है, ये देखिए सिल्वर टोन में, ब्लैक टोन, और ये आपको डुअल कलर की थीम इसमें दी गई है। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, सिर्फ आपको इसमें रियर पार्किंग कैमरा मिसिंग है अगर आप RXZ के कंपेरिजन में बात करते हैं तो। इसके बेस मॉडल का वीडियो भी आ रहा है जल्द, तो सब्सक्राइब अभी कीजिए वीडियो को, और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी ये कुछ इसका पूरा लुक मैंने आपको एक्सटीरियर से दिखाया, थोड़ा पीछे से देख लेते हैं, काफ़ी यूनिक लग रहा है। अभी हम इसके अब इंटीरियर में देखते हैं। इंटीरियर में अभी कहीं आपको वाइट के टचेस मिलेंगे या फिर कैसा इसमें चेंजेस है इंटीरियर में देख लेंगे। पहले फ्रंट से देखते हैं, हेडलैम्प्स की असेंबली सिमिलर यूज़ की गई है। हैलोजन मिल जाएगा आपको प्रोजेक्टर के साथ लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए आपको सिंगल बैरल यूनिट मिल रही है। टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं, ये DRLs इसमें मिसिंग है। ये इसका कुछ बम्पर है, डुअल टोन बम्पर दिया गया है इसमें। ये आपको विंग क्रोम ग्रिल दी गई है जो कि डस्टर में भी यूज़ की जाती है। इंस्पायर्ड काफ़ी बढ़िया लुक है। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का, आप देख रहे हैं। सिंगल आपको इसमें वॉशर यूनिट मिल रही है, और डुअल आपको इसमें वाइपर यूनिट दी गई है। रूफ रेल्स भी इसमें मिल रही है। बाकी इंटीरियर की ओर अगर एक नज़र डाल लेते हैं कि इंटीरियर में क्या चेंजेस है इसमें, देखिए इंटीरियर अगर आप देखते हैं वाइट कलर के साथ, तो जो इसका बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है काफ़ी उभर के आ रहा है। ऐसा कुछ इसका पूरा लेआउट आप देख रहे हैं। बाकी ये कुछ इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है, यहाँ पर भी काफ़ी एयरी डैशबोर्ड इसमें दिया गया है। और अब तो इसकी काफ़ी लोगों ने टेस्ट ड्राइव ले ली है, और हर कोई काफ़ी ज़्यादा इससे सेटिस्फाइड है। इसमें आपको डोर जो अगर अनलॉक है यानी कि खुला हुआ है तो वार्निंग देता है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। डुअल आपको इसमें एयरबैग मिल रहे हैं। गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है अगर 4 मीटर सेगमेंट के हिसाब से बात करते हैं। बैठ के देखते हैं इसमें, और अगर इसमें हम RXZ के कंपैरिजन में बात करते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर कैमरा नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज़ आपको पीछे वॉशर वाइपर नहीं मिल रहा है, और फ्रंट में आपको DRL नहीं मिलेंगे, और एक इसमें स्टार्ट स्टॉप भी नहीं मिलेगा। इसकी प्राइस भी 50,000 रुपये कम है। बाकी डैशबोर्ड आपको डुअल टोन इसमें भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है,
मैनुअल आपको IRVM इसमें मिल ही रहा है, और सनशेड्स आपको ऐसे कुछ मिलते हैं, और इस साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और बाकी गाड़ी की डायमेंशन सेम है अगर आप कैसी भी बात करते हैं तो। और ये आपको डिजिटल इसका MID का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। दूसरी ओर ये देखिए आप इसकी पूरी डिजिटल की MID, ऐसा कुछ इसका पूरा लेआउट है, सारा कुछ फीचर सेम मिल रहा है। स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, सारे वार्निंग कंट्रोल मिल जाएंगे, इंजन RPM टैकोमीटर ये सब कुछ मिलेगा। ये आपको रेनो का पूरा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, मीडिया नैव का, 5-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स मिल रहा है, स्पेसिंग पूरी सिमिलर मिल रही है। डुअल आपको इसमें ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, डुअल ग्लव बॉक्स मिल जा रहे हैं इसमें, और यहाँ पर भी आपको कूलिंग का पूरा चिलर का फंक्शन मिल रहा है। इस सेगमेंट में यही गाड़ी में आपको डुअल ग्लव बॉक्स ये पूरा चिलर के साथ मिल रहा है, एक आपको ये चिलर यहाँ मिल रहा है और एक आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, और बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अगर आप को पैसेंजर और ड्राइवर की बात करते हैं। बाकी हेडरूम तो सिमिलर ही है पूरी गाड़ी में। और ये कुछ आपको पूरा देखिए इसका रियर का स्पेसिंग है, पीछे भी चल के देखते हैं अभी कैसा है। और लेग रूम पूरा ये है, आप देख रहे हैं लेग रूम सेम है गाड़ी में। और ब्लोअर का पूरा AC यूनिट, ब्लोअर यूनिट काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है, AC बढ़िया परफॉर्मेंस है, मैनुअल AC इसमें मिल रहा है आपको अभी। और सारे आप इसके डक्ट्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, रीसर्कुलेशन के लिए आपको ये दिया हुआ है इसमें नॉब, आप यहाँ से एयर को रीसर्कुलेट कर सकते हैं। और विंडो ग्लास एरिया इस गाड़ी में सफिशिएंट मिल रहा है, अगर आप डस्टर से कंपेयर करते हैं तो सेम आप कह सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और विंडो के सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसमें आपको वन टच डाउन नहीं मिल रहा है, देखिए इसको आपको कंटिन्यूस प्रेस करना होगा, RXZ में मिल जाता है। ORVM के मिरर के लोकेशन को आप अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, और फोल्डिंग के लिए आपको मैनुअली करना होगा। कुछ क्रोम के एक्सेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर मिलते हैं, और सारे वॉशर वाइपर के ये कुछ कंट्रोल इस साइड दिए, हेडलैम्प्स के आपको इस साइड मिल जाते हैं। अब हम इसकी पीछे की सीट में चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक ब्लैक थीम में मिलने वाला डोर का लीवर, RXT मॉडल है अभी ये। चार आपको इसमें स्पीकर्स मिल जाते हैं, दो ट्विटर्स मिल जाते हैं। रियर में अगर हम देखते हैं, ये आपको बॉडी कलर्ड मिलने वाला है इसमें डोर हैंडल, और RXT की बैजिंग ये है। ये कुछ आपको इसमें पूरा इसका डुअल थोन में थीम में मिल जाएगा डोर का, और स्पेसिंग सेम है आपको किसी भी वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। ये देखिए लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के देखते हैं। आगे की सीट अभी 6 feet के हिसाब से पूरी सेट की गई है। ये पीछे से कुछ लेआउट है, और AC का थ्रो अभी यहाँ बढ़िया आ रहा है, रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। साइड माउंटेड पिलर माउंटेड आपको इसमें मिल जाएंगे AC वेंट्स, एक इस साइड है। और डोर की अगर आप ओपनिंग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है, देखिए ये है। अभी तीन लोग अगर मीडियम साइज़ के हैं तो इसमें इजीली आ जाएंगे, और पीछे भी तीन लोग आ सकते हैं, और दो लोगों के लिए वैसे डिज़ाइन की गई है सीट्स। अब पीछे बैठ के देखते हैं कैसा, यहाँ से देखते हैं इसको तो ये वाली यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ड्राइवर सीट है पीछे की ओर, और पीछे की थर्ड रो में आप देख रहे हैं इतना कुछ स्पेस इसमें मिल रहा है, ये कुछ है। और ये इसकी 40-60 का ऑप्शन मिल जाता है, और ये वाली सीट पार्शियली फोल्ड होगी, और ये पूरी फ्लैट डाउन हो जाती है, इसमें टम्बलिंग का फीचर भी आपको मिल रहा है। और ये कुछ आपको स्लाइड करके आगे को यहाँ से भी एक जगह मिलती है, और अगर हम पीछे से बात करें तो पीछे से भी आपको ये वाली सीट तो काफ़ी बढ़िया है, इसको आप आगे को अगर कर देते हैं, यहाँ से पुश करना धक्का दो, इसको आप यहाँ से टम्बल कर सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे करके पूरी टम्बल हो जाएगी, 90 degrees हो जाएगी ये। ये कुछ इसकी पूरी फोल्ड डाउन हो गई है सीट, देख रहे हैं आप, इस साइड से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। पीछे बैठ के देख लेते हैं, पीछे से आपको इतना कुछ इसमें स्पेस मिलने वाला है, और इसको अगर हम फोल्ड डाउन कर देते हैं तो ये कुछ इतनी फोल्ड हो गई, और लेग रूम काफ़ी है, और ये सीट अभी बहुत ज़्यादा पीछे को है। बाकी ये कुछ है इसका भी, ये इसका भी रूफ माउंटेड AC वेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से भी अगर स्पेस देखते हैं, और रियर का विंडो ग्लास एरिया भी सफिशेंट है, और यहाँ पर आपको स्टोरेज नहीं मिलेगी। अभी देखते हैं इसके पूरा बूट स्पेस क्या है, कैसे स्पेस है इसमें, पीछे चलते हैं। और यहाँ भी आपको पावर सॉकेट जो RXZ में मिल रहा वो इस मॉडल में नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं, इसमें बूट देखिए आप, ये कुछ इसका वाइट कलर में पीछे दिख रहा है, 84 liters अभी आपको इसमें बूट स्पेस मिलेगा अगर आप इसकी सातों सीट्स को यूज़ कर रहे हैं 3-seater कन्फिग्रेशन में। और अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं ये पूरी फ्लैट आउट हो जाएगी, अभी आपको 625 liters मिल जाएगा इस वाली को भी अगर आप पार्शियली फोल्ड कर देते हैं तो। इसमें ये वाली सीट्स को आप रिमूव कर सकते हैं, ये इसकी इजी फिक्स सीट है,
जो कि इजीली रिमूव हो जाती है लैच से। ये इसके कुछ पाइवट्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी स्पेस दिया गया है गाड़ी में। बाकी ये इसका वाइट कलर मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको सेल से कुछ भी जानकारी लेनी है तो मैं रैनो हल्द्वानी का आपको सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर दे दूँगा। अभी मेरे साथ हिमांशु सर है, अभी हम पूरा इसका देख लिया आपने वाइट कलर में कैसी लगती है गाड़ी। तो बाकी आपको सेल्स टेस्ट ड्राइव जो भी है नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी वाइट कलर में सही है इसका लुक भी। ये कुछ इसका पूरा एक डिटेल्ड में वॉक अराउंड टाइप का आपके लिए लेके आ गया हूँ। और इंजन भी आपको सेम मिलने वाला है इसमें। बाकी अभी इंजन ऑन है, देख लेते एक बार इंजन बे की ओर। ये इसका कुछ एनर्जी सीरीज का 1 लीटर का इंजन मिल रहा है, 3 सिलेंडर इंजन है, 72 BHP 96 NM टॉक आउटपुट के साथ 4 चैनल का ABS मिल रहा है, आप देख रहे हैं। बाकी सही है ओवरऑल गाड़ी। बाकी आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर बुकिंग्स आप देख लीजिएगा। थैंक यू।